हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुराग है और आज मैं आपका बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 लेने जा रहा हूं और मैं क्लास 10th में हूं। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी इतनी प्रिपरेशन कर ली है कि मैं मेरे जैसे और भी कई सारे बच्चों को पढ़ा सकता हूं। तो आज हम बायोलॉजी का यूनिट चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है लाइफ प्रोसेसेस। तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका मतलब भी हमें समझ आना चाहिए कि लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है। तो लाइफ प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस विच परफॉर्म द फंक्शन टू मेंटेन द लाइफ ऑन अर्थ, जिसका मतलब होता है कि ऐसी प्रोसेस जो साथ में वर्क करते हैं, साथ में फंक्शन करते हैं, जिससे हमारी लाइफ अर्थ पर मेंटेन होती है। तो फ्रेंड्स, इसकी अच्छे से एक डेफिनेशन लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिख दी है लाइफ प्रोसेसेस की। तो ये होती है लाइफ प्रोसेसेस, द प्रोसेसेस विच फंक्शन टुगेदर टू मेंटेन द लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो फ्रेंड्स, इसके अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन तो हमने समझ ली है, लेकिन ये होती क्या है, कैसी होती है। तो फ्रेंड्स, हम इन्हें डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइफ प्रोसेसेस के एग्जांपल्स हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन, जो कि हम आगे इस चैप्टर में 1 by 1 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, फिर रेस्पिरेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। और लास्ट में फ्रेंड्स, आपको आखिरी में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देंगे, जिन्हें आप प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेसेस में लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स के बारे में। जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा कि लिविंग बींग्स क्या होती है और नॉन लिविंग बींग्स क्या होती है। लिविंग बींग्स वह होते हैं जो मूवमेंट शो करते हैं या ग्रोथ शो करते हैं, और नॉन लिविंग बींग्स कोई भी मूवमेंट या ग्रोथ शो नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स के बारे में डिफरेंशिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स, लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो मूवमेंट शो करती हैं। तो लिविंग थिंग्स आर दोज विच
शूज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिविंग बींग्स वह होते हैं जो मोलिकुलर मूवमेंट शो करती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मोलिकुलर शब्द को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि मोलिकुलर मतलब जैसे आप देखते होंगे लिविंग बींग्स में ह्यूमंस ह्यूमंस लिविंग बींग्स है, ये हमें पता चलता है कि वह मूवमेंट करते हैं, ग्रोथ करते हैं, लेकिन ये हमें नेकेड आई से विजिबल होते हैं। लेकिन बाकी प्लांट्स का क्या, प्लांट्स का मूवमेंट भी हमें विजिबल होता है, लेकिन जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं उन्हें हम इतने अच्छे से हम जज नहीं कर सकते हैं कि ये लिविंग बींग्स है या नॉन लिविंग बींग्स। या तो सबसे बेस्ट एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पर अमीबा का। तो फ्रेंड्स ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा। अब इसका मूवमेंट हम कैसे पता कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, और भी तो इसीलिए मैंने कहा है यहाँ पर मोलिकुलर मूवमेंट की जरूरत पड़ती है। मोलिकुलर मूवमेंट मतलब ये जो सिंगल सेल से बना है, ये सेल का मूवमेंट, इसके सेल का मूवमेंट ही इसे लिविंग बींग घोषित करता है। तो फ्रेंड्स अब हम यहां पर लिखते हैं लिविंग बींग के बारे में। एनीथिंग विच इज अलाइव शोज मॉलिक्यूलर मूवमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मॉलिक्यूलर मूवमेंट, अलाइव अलाइव मतलब जिंदा या जीवित, हम हिंदी में जिंदा या जीवित बोलते हैं, इंग्लिश में उसे अलाइव कह देते हैं। तो फ्रेंड्स किसी भी चीज के अलाइव या लिविंग होने का सिर्फ एक ही कारण है, उसका मॉलिक्यूलर मूवमेंट। तो फ्रेंड्स मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो चीज शो करेगी वो लिविंग बींग होगी, और नॉन लिविंग बींग इसका ऑपोजिट, जैसे टेबल या चेयर, ये कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करते हैं अपने आप से, बाय देमसेल्फ। तो फ्रेंड्स जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर अमीबा है, तो अमीबा अपने खुद से अपने शरीर से एनर्जी बनाकर खुद से मूव करता है, उसके सेल को मूवमेंट देता है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये अलाइव है, जिंदा है या लिविंग बींग है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आप जैसे समझ रहे होंगे हमने यहाँ पर देखा लिविंग और नॉन लिविंग बींग के बारे में डिफरेंस। अब हम देखेंगे कि लिविंग बींग को जीवित रहने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिखा है द बेसिक नीड ऑफ एनी लिविंग बींग इज फूड टू गेट एनर्जी। यहाँ पर जो सबसे जरूरी चीज है एक लिविंग बींग के लिए जिंदा रहने के लिए वो है फूड, क्योंकि फूड हम जब लेंगे उसके अंदर होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या प्रोवाइड करता है हमें, एनर्जी, और ये ग्लूकोज हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट से ब्रेक डाउन करता है। इसकी प्रोसेस न्यूट्रिशन हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ पर जानना है कि सबसे बेसिक नीड क्या होती है। तो बेसिक नीड हमने जान ली है फूड, ताकि उससे हमें एनर्जी मिले, फूड मतलब खाना, उससे हमें एनर्जी मिले और हम लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म कर सकें। तो फ्रेंड्स अब हम वेरियस फैक्टर्स देखेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस लिविंग और नॉन लिविंग बींग में क्या डिफरेंशिएट होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिविंग बींग और नॉन लिविंग बींग के बारे में डिफ्रेंशिएट करते हैं।
देख रहे हैं लिविंग बींग्स। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इनके बारे में डिफरेंशिएट, और हम इसके बारे में बहुत सारे फैक्टर ऑब्जर्व करने वाले हैं कि लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स लिविंग बींग्स, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, लिविंग अभी हमने डिस्कस किया, लिविंग बींग्स शो मॉलिक्यूलर मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो करते हैं लिविंग बींग्स, और यहां पर ये नहीं करते हैं नॉट। और फ्रेंड्स अब हम सेकेंड पॉइंट यहां पर ऑब्जर्व करेंगे कि लिविंग बींग्स शो ग्रोथ, जैसे कि लिविंग बींग्स ह्यूमंस, ह्यूमंस अब जैसे चाइल्ड छोटा सा रहता है, छोटा सा बच्चा पैदा होता है, और टाइम के साथ साथ उसका शरीर बड़ा होने लगता है, तो ये ग्रोथ है। तो फ्रेंड्स दे शो ग्रोथ, और फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी ग्रोथ नहीं शो होती है लिविंग बींग्स। जैसे चेयर है, चेयर की ग्रोथ नहीं होगी, भले हम उसे कितना भी न्यूट्रिशन के न्यूट्रिशन तो लेते हैं, उनमें लाइफ प्रोसेस नहीं होती है, और वो नॉन लिविंग बींग है इसलिए वह ग्रोथ भी शो नहीं करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम थर्ड पैरामीटर डिस्कस करने वाले हैं, वो है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये स्टिमुली को रिस्पॉन्स भी करते हैं, जैसे स्टिमुलस, मान लो आप खाना खा रहे हैं और आपने एकदम से गरम, जैसे गर्म प्लेट रहती है उसको आप टच कर देते हैं, तो आपका ब्रेन सिग्नल देता है कि हाथ को हटा लो, तो हाथ एकदम से हट जाता है वहाँ से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्टिमुलस रहता है, स्टिमुलस मतलब इसके बारे में हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे, जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो स्टिमुलस जैसे हीट, हीट कोल्ड ग्रेविटी एक्सेट्रा, ये स्टिमुलस हैं, इनसे हम दूर हो जाते हैं या इनके कांटेक्ट में भी आते हैं, जैसे ग्रेविटी। अब ग्रेविटी यहाँ पर मेन स्टिमुलस नहीं है, हम बात कर रहे हैं हीट और कोल्ड की। जैसे आप देखेंगे किसी चेयर को हम कोल्ड में रखेंगे, ठंडे में रखेंगे, तो वह कोई भी मूवमेंट शो नहीं करेगी, लेकिन यदि हम किसी लिविंग बींग जैसे ह्यूमन को कोल्ड में रखेंगे तो वह वहाँ से दूर जाएंगे, क्योंकि उन्हें उनके दिमाग ने सिग्नल दिया, उनके ब्रेन ने सिग्नल दिया कि आपके लिए ये जगह फेवरेबल नहीं है, इसलिए आपको जाना होगा। तो लिविंग बींग्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, या तो फिर एक प्लांट आता है छुई मुई, जिसे हम जिसका साइंटिफिक नेम होता है माइमूसा पुडिका। तो फ्रेंड्स माइमूसा पुडिका को जब हम टच करते हैं कुछ इस प्रकार से आता है, इसे हम छुई मुई कहते हैं हिंदी में। जब हम इसे टच करते हैं, जैसे इसे कोई टच करेगा तो ये एकदम से बंद हो जाएगा, ऐसे इसकी लीव्स फोल्ड हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स इसने रिस्पॉन्स किया स्टिमुलस के। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर नेक्स्ट पैरामीटर देख लेते हैं हम, और ये कोई भी स्टिमुलस शो रिस्पॉन्स किसी भी स्टिमुलस के सामने शो नहीं करते हैं, तो दे डोंट शो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अब फ्रेंड्स और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिससे हम लिविंग बींग और नॉन लिविंग बींग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन फैक्टर है मोलिकुलर मूवमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेन फैक्टर है मोलिकुलर मूवमेंट जो कि हमें पढ़ना था। अब फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस, हमने जान लिया है लिविंग बींग नॉन लिविंग बींग क्या होती है, ये भी हमने जान लिया है, अब हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस, राइट, लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट लाइफ प्रोसेसेस। तो फ्रेंड्स लाइफ प्रोसेसेस में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन को।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक टॉपिक होने वाला है न्यूट्रिशन। सो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता है? सो फ्रेंड्स न्यूट्रिशन मतलब टेकिंग इन ऑफ फूड, टेकिंग इन ऑफ फूड एंड सिंथेसाइज इट टू गेट एनर्जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है हमने न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन मतलब टेकिंग इन ऑफ फूड, खाना अंदर लेना, उसे पचाना और उसके द्वारा जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने लिए हैं उससे एनर्जी बनाना। अब न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर नया शब्द आता है न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वह चीजें जो हमें एनर्जी देती हैं, एनर्जी या विटामिन प्रोटीन, इन चीजों को हम कहेंगे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये तीन हो गए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये तीन हो गए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और बाकी आएंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे मिनरल्स, विटामिन्स। तो फ्रेंड्स इनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? अभी हमने डिस्कस किया फूड से मिलते हैं, जो कि हम अपने फूड एज अ फूड हम ईट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पनीर खाया, तो पनीर में क्या रहता है? पनीर में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे बहुत कम, फैट थोड़ा मीडियम क्वांटिटी में मिल जाएगा और प्रोटीन भी मिल जाएगा। जैसे प्रोटीन हमारे मसल सेल्स बनाता है, फैट्स हमें फैट प्रोवाइड करता है और फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब इसे हम हमारा शरीर इन्हें ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो फ्रेंड्स ये हमने बात कर ली न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन इज टेकिंग इन ऑफ फूड एंड सिंथेसाइज इट टू गेट एनर्जी। खाना लेना, शरीर के अंदर खाना लेना, उसे पचाना और उसे जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें न्यूट्रिएंट्स मिले हैं उन न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी बनाना। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा हमने न्यूट्रिशन को डिस्कस कर लिया, अब हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो फ्रेंड्स आइए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो फ्रेंड्स मेनली इसके दो टाइप होते हैं और वो दो टाइप हम डिस्कस करते हैं। एक होता है हेटरोट्रोपिक और एक होता है ऑटोट्रोपिक। तो फ्रेंड्स इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है हेटरोट्रॉपिक और एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और इनके भी कई सारे सब टाइप्स होते हैं। तो फ्रेंड्स व्हाट आर हेटरोट्रॉपिक, व्हाट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? तो फ्रेंड्स हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आ जाते हैं
लिविंग बींग्स जैसे ह्यूमंस एंड मेनी मोर एनिमल्स। तो फ्रेंड्स हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम पढ़ते हैं, पहले हम ऑटोट्रॉपिक पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? तो फ्रेंड्स इसकी हम अच्छे से डेफिनेशन लिखते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसे प्रकार का न्यूट्रिशन होता है जिससे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो खुद से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। जैसे प्लांट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेंगे हम ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स आपने देखा होगा फ्रेंड्स, ग्रीन प्लांट्स आपने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है। ग्रीन प्लांट खाना अपने खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अपनाकर। तो फ्रेंड्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वो क्या करते हैं, उन्हें जैसे हम खाना खाते हैं तो हम प्लांट्स को खाते हैं या तो फिर किन्हीं एनिमल्स को खाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो खुद से खाना बनाते हैं जैसे ह्यूमन बींग, हम हमारा खाना खुद से नहीं बना पाते हैं और ग्रीन प्लांट्स रहते हैं वो खुद से खाना बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल हो गए। अब फ्रेंड्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी दो प्रकार के आते हैं, ये यदि आपको नहीं होंगे तो भी चल जाएगा क्योंकि अभी मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो आपको 11th 12th में पढ़ना है। तो फ्रेंड्स इसमें आता है एक फोटो ऑटोट्रॉपिक और एक आता है तो फ्रेंड्स फोटोटोट्रॉपिक मतलब वो जो सनलाइट से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, सनलाइट की एनर्जी को यूटिलाइज करके अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं फोटोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और फ्रेंड्स एक उस प्रकार का न्यूट्रिशन जिसमें जो प्लांट्स हैं वो कीमोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब उसमें ऑर्गेनिज्म केमिकल, कीमो फ्रेंड्स कीमो का मतलब होता है केमिकल, तो केमिकल प्रोसेसेस जैसे केमिकल सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस एंड आयरन उससे अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स इन्हें हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन हमें अभी फोटोऑटोट्रॉपिक पढ़ना है। और फ्रेंड्स एक और बात बता दें, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को किन एनिमल्स, जो एनिमल्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, न्यूट्रिशन जो एनिमल्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। सो फ्रेंड्स यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स, तो ऑटोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिज्म विच फॉलोज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फ्रेंड्स ये हमारी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई ऑटोट्रॉप्स की। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फ्रेंड्स जैसे आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, ऑटो ऑटो मीन्स सेल एंड ट्रॉपिक मीन्स टू बिल्ड और टू प्रिपेयर। तो फ्रेंड्स ऑटोट्रॉपिक का मतलब सेल्फ, मतलब खुद से खाना बनाने वाले। अब हमने देख लिया ऑटोट्रॉपिक, अब ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट। अब फ्रेंड्स आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ी होगी क्लास 7 और क्लास 6, क्लास 5th से हम पढ़ते आ रहे हैं ग्रीन प्लांट्स के बारे में, जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं और जो प्रोसेस से वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं वो होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो फ्रेंड्स व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो इसकी अच्छी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो द प्रोसेस
आप इसे सिमिलर होंगे, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस होती है वह एक ऐसी प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स यानी कि हरे पौधे, हरे प्लांट्स जो रहते हैं वो खुद का खाना खुद से बना सकते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम फर्दर देखते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में. तो फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस पर अब हम आ गए हैं. तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? अभी अभी हमने डिस्कस किया, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस, अब हम यहाँ पर एक प्लांट का डायग्राम बना लेते हैं. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने प्लांट का डायग्राम बना लिया है, उसके एक लीफ ले ली है और यहाँ पर हम सन भी बना लेते हैं. यह हो गया हमारा सन. तो फ्रेंड्स, जब सन की रेस जब प्लांट के पास आती है, जैसे सन की रेस प्लांट के पास आई, तो फ्रेंड्स अब जब लीफ पर सन की रेज आती है तो लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट, जो कि सेल ऑर्गेनाइज बोलते हैं जिन्हें हमें. तो क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है एक सब्सटेंस क्लोरोफिल. तो फ्रेंड्स, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, इसी वजह से प्लांट्स हमेशा ग्रीन कलर के क्यों देखते हैं, ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल. यदि प्लांट ग्रीन है इसका मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल है. और फ्रेंड्स, कुछ प्लांट्स जैसे येलोइश हो जाते हैं कभी कभी, तो येलोइश होने का कारण यह है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल की कमी हो जाती है. तो फ्रेंड्स, ग्रीन प्लांट, अभी हमने ग्रीन प्लांट लिया है, अब ग्रीन प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की लोकेशन कहाँ पर होती है, क्लोरोप्लास्ट में. तो फ्रेंड्स, जब सन की रेस प्लांट की लीफ पर पड़ेंगी तो फ्रेंड्स लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल उन रेस को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद उससे फूड प्रिपेयर करेगा. अब हम फर्दर मूव ऑन करेंगे. तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर ले लेते हैं एक लीफ का डायग्राम. ग्रीन लीफ है तो हम ग्रीन कलर से बना लेते हैं. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक लीफ ले ली है. अब फ्रेंड्स, इस लीफ के अंदर कई सारी सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं, जैसे यहाँ पर ये लीफ की बैक साइड है, बैक साइड पर मैं बना रहा हूँ, ये जो है छोटे छोटे यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट रहते हैं. तो फ्रेंड्स, क्लोरोप्लास्ट, अब हम क्लोरोप्लास्ट को बड़ा करके देखते हैं. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बना लिया है एक क्लोरोप्लास्ट. तो फ्रेंड्स, अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं, जैसे
फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बना लिया है। सो फ्रेंड्स ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल रहते हैं, हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गई इसकी क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन। ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन। और फ्रेंड्स आउटर मींस बाहर की, तो ये बाहर की मेम्ब्रेन है इसलिए इसे आउटर मेम्ब्रेन कह दिया हमने। और फ्रेंड्स ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। और फ्रेंड्स यहां पर जो ये स्पेस देख रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेसेस। ये स्पेस है इसलिए हमें इंटर मेम्ब्रेन, इंटर मतलब अंदर का, तो अंदर की जो मेम्ब्रेन है, ये दो मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसे हमने कह दिया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और फ्रेंड्स अब यहाँ पर मेन चीज आएगी, ये जो आप छोटे छोटे देख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं थाइलेकोइड। और फ्रेंड्स ये थाइलेकोइड, ये थाइलेकोइड बहुत सारे एक ग्रुप में रहते हैं, तो इन ग्रुप ग्रुप को कंबाइन करके हमने बोल दिया ग्रेना। ये हो गया हमारा ग्रेना। और इन्हें हम लेमिला, तो फ्रेंड्स ये हो गया ग्रेना। तो फ्रेंड्स जब भी सन की रेज, हम सन बनाई देते हैं एक और बार, सन की रेज जब इस पर पड़ती है, तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है जो कि क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल का बना रहता है इसलिए हमने इसे ग्रीन कलर का बनाया। तो जब भी सन की रेस इस पर पड़ती है तो सन की रेस के इस पे स्ट्राइक होने के बाद में ये कहाँ पर, ये जो थाइलेकोइड है थाइलेकोइड पर जाती है। और फ्रेंड्स थाइलेकोइड के बाद में यहाँ पर जो है लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन में क्लोरोफिल को एब्जॉर्ब कर लिया, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्लोरोफिल जब एब्जॉर्ब होता है तब यहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है, किसके अंदर, ग्रेना के अंदर। ग्रेना हमने अभी देखा थाइलेकोइड, ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड इज कॉल्ड ग्रेना। तो फ्रेंड ग्रेना के अंदर हो गया लाइट रिएक्शन। और फ्रेंड्स ये जो खाली खाली स्पेस आपको देख रही है, ये खाली स्पेस एम्प्टी स्पेस, इसे हम बोल देंगे स्टोमा। तो फ्रेंड्स यहां पर होता है डार्क रिएक्शन, और यह थाइलेकोइड में होता है, थाइलेकोइड या ग्रेना कुछ भी कह सकते हैं, थाइलेकोइड मीन एक, और ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड इज कॉल्ड ग्रेना। तो ग्रेना में होता है हमारा लाइट रिएक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लाइट रिएक्शन होता है और इसे हम डिटेल में 11th और 12th में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो गया है ये हमारा फोटोसिंथेसिस तैयार, आप डायग्राम देख भी रहे होंगे। तो फ्रेंड्स इस ये हमने क्लोरोप्लास्ट देख लिया। तो फ्रेंड्स क्लोरोप्लास्ट इन लीफ के अंदर, जैसे लीफ है, लीफ के अंदर से हमने निकला है क्लोरोप्लास्ट। अब फ्रेंड्स फादर मूव ऑन करते हैं हम। अब हमने देख लिया क्लोरोप्लास्ट। तो फ्रेंड्स क्लोरोप्लास्ट के बीच बाद में हम फोटोसिंथेसिस, अब फ्रेंड्स फोटोसिंथेसिस के अब हम रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस क्या होती है, तो फोटोसिंथेसिस हमने देखा थ्रू विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो फ्रेंड्स फोटोसिंथेसिस में फिक्स CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। गिव्स C6H12O6
प्लस सिक्स ओ टू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक रिएक्शन लिख दी है, अब इस रिएक्शन को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है CO2, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इट इज अ गैस विच इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द विच इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टोमाटा। तो फ्रेंड्स जैसे कि स्टोमाटा आता है, स्टोमेटा के अंदर CO2 एब्जॉर्ब हो जाती है, इसे हम और फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, H2O मीन्स वाटर, ये सब इनके केमिकल फॉर्मूले या केमिकल नेम बोल सकते हैं हम। और C6H12O6, जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट मीन जो सन की लाइट है वो, और क्लोरोफिल मीन जो ग्रीन पिगमेंट जो प्लांट्स में पाया जाता है वो। तो सनलाइट और क्लोरोफिल का के प्रेजेंस में जब CO2 और H2O रिएक्ट, यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो वो एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। ये वो वाला ग्लूकोज, वही ग्लूकोज है जो एक हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, लेकिन यह ग्लूकोज हमारी हमारा शरीर खुद बनाता है ग्लूकोज। इसी से फ्रेंड्स हमें एनर्जी मिलती है और प्लांट्स को भी। तो फ्रेंड्स ये ग्लूकोज हो गया, और बाय प्रोडक्ट क्या है, बाय प्रोडक्ट हो गया हमारा ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन हुआ सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में तो बना ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, और फिर बाय प्रोडक्ट जो कि ऑक्सीजन निकली। ऑक्सीजन यहाँ पर बाय प्रोडक्ट है जो कि ऑक्सीजन हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स यदि यदि फोटोसिंथेसिस की यदि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती तो ये ऑक्सीजन हमारे पास नहीं आती। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती तो हमारे पास ऑक्सीजन भी नहीं आती, और हम अभी अर्थ पर लिविंग बींग ह्यूमंस का जीना संभव नहीं हो सकता था। तो फोटोसिंथेसिस की ही मदद से हम अभी जीवित हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट मतलब जो कि प्लांट बनाता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहा है। तो ग्लूकोज को वह यूज अप कर लेता है, ग्लूकोज को वह बाद में फर्दर डिवाइड कर लेता है स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च। तो फ्रेंड्स ग्लूकोज को प्लांट स्टार्च बनाकर अपने अंदर स्टोर कर लेता है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ देता है, जिसे जो कि हमारे लिए हेल्पफुल रहती है, जिससे कि हम जो है लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम फर्दर देखते हैं, तो फ्रेंड्स हमने फोटोसिंथेसिस डिस्कस कर ली है, अब हम जाएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो फ्रेंड्स फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो फ्रेंड्स व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पर अब हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं क्या फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स यदि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन नहीं होगा, और जब तक फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं। तो फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड का लेक रहता है, कमी रहता है, तो फोटोसिंथेसिस में दिक्कत आती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेकंड फैक्टर हम देख रहे हैं वॉटर यानी कि H2O। तो फ्रेंड्स यदि कार्बन डाइऑक्साइड और वॉटर ये दोनों क्या है, इन दोनों कंबाइन को हम बोल देते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस।
तो फ्रेंड्स यदि ये दोनों नहीं रहेंगे तो फोटोसिंथेसिस कभी होगी ही नहीं। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए ये दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब थर्ड फैक्टर हम देख लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो फ्रेंड्स अभी हमने डिस्कस किया था व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट। तो फ्रेंड्स क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल होती है प्लांट की जिसके अंदर क्लोरोफिल स्टोर रहता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट रहता है। तो फ्रेंड्स ये क्लोरोप्लास्ट का कंसंट्रेशन मतलब उसका घनत्व कि कितने अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट है। यदि क्लोरोप्लास्ट कम रहेगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम हो जाएगा जिससे कि वह अपना प्लांट फूड प्रिपेयर नहीं कर जाएगा और डेड हो जाएगा एक टाइम पर आके। और यदि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा क्लोरोफिल ज़्यादा होगा यानी कि क्लोरोफिल मीन्स क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होगा तो फ्रेंड उससे प्लांट का फोटोसिंथेसिस करने का रेट और बढ़ेगा और उससे ज़्यादा से ज़्यादा वह फूड प्रिपेयर कर सकेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फोर्थ फैक्टर हम यहाँ पर लेंगे सनलाइट। यह हम कह सकते हैं रेट ऑफ सनलाइट। यदि सनलाइट ही नहीं होगी तो फ्रेंड जो प्लांट है वो केमिकल एनर्जी यानी कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर फिफ्थ हम ले लेंगे मिनरल्स। मिनरल जैसे फॉस्फोरस आयरन कैल्शियम, वैसे ये जो फैक्टर थे ये हमने देखे ये नेसेसरी थे। मतलब यदि ये चारों चीज़ें नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन मिनरल्स फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस को के सपोर्टर्स हैं ये मिनरल्स, जैसे फॉस्फोरस वगैरह आयरन हो जाता है तो ये सब सपोर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। लेकिन ये जो इनसे ही फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट बनता है ये चार चीज़ें, तो ये एक्सेसरी हो गया। मतलब मिनरल्स कम होंगे तो भी फोटोसिंथेसिस हो जाएगी और ज़्यादा होंगे तो और अच्छे से हो पाएगी। अब फ्रेंड्स यहां पर हम थ्री इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फ्रेंड्स यहां पर हम फोटोसिंथेसिस के थ्री इवेंट डिस्कस करने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस कैसे होते हैं, कैसे टेक प्लेस करती है फोटोसिंथेसिस। तो फ्रेंड्स आइए हम तीन इवेंट्स डिस्कस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आ सकता है व्हाट आर द थ्री इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो चलिए
रिडक्शन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का निकलना। तो फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड में से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को निकाल हाइड्रोजन ने कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकाल दिया और कार्बोहाइड्रेट बना लिए जैसे ग्लूकोज। तो फ्रेंड्स ग्लूकोज में आप ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो C कहाँ से आया? C फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। H कहाँ से आया? H2O। और O कहाँ से आया? दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो फ्रेंड्स इन दोनों ये दोनों का ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स राइज टू C6H12O6। और यहाँ पर ऑक्सीजन थोड़ी सी निकल गई, ऑक्सीजन जिसे कि हम यूज अप करते हैं, ये वेस्ट नहीं रहती है, इसे हम यूज करके यूटिलाइज करके ह्यूमन बींग और अदर एनिमल फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने क्लोरोफिल और क्लोरोफिल के बारे में पढ़ लिया, सब चीज के बारे में हमने प्लांट का न्यूट्रिशन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। आइए अब हम रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लाइफ प्रोसेसेस देख ली। लाइफ प्रोसेसेस में क्या क्या होता है? लाइफ प्रोसेसेस यानी कि ऐसी प्रोसेसेस जो एक साथ फंक्शन करके अर्थ पर लाइफ को एग्जिस्ट करवाती हैं, वो कहलाती हैं लाइफ प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। और फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स के बारे में। तो लिविंग बींग्स वो जो मॉलिकुलर मूवमेंट शो करती हैं। फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया था, फूड के बारे में पढ़ा था। फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया था लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स के बारे में, जैसे हमने माइमोसा पुडिका का एग्जाम्पल देखा। और फ्रेंड्स उसके बाद हमने लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन पढ़ा। सबसे पहले हमने लिया न्यूट्रिशन वॉज आवर फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस वॉज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में टेकिंग इन ऑफ फूड एंड सिंथेसाइज इट टू गेट एनर्जी। फ्रेंड्स उसके बाद हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े। न्यूट्रिएंट्स के बाद में हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब फिर हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में गए। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हमने उसकी डेफिनेशन यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो कि 11th 12th में आपको काम में आएंगे उसके दो टाइप्स पढ़े। और फ्रेंड्स उन दोनों टाइप्स को पढ़ने के बाद में हमने देखा ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है। हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पूरा डिस्कवर कर लिया है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाया है, सब कुछ समझा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और यदि आपको डाउट है किसी भी चीज में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लास्ट में चैप्टर एंड हो जाएगा उसके बाद में लास्ट में एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। ओके फ्रेंड्स अब हम यहां पर पढ़ेंगे कंक्लूजन। तो फ्रेंड्स कंक्लूजन फोटोसिंथेसिस। तो फ्रेंड्स व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो फ्रेंड्स इसे हम पहले यहां पर इसका इक्वेशन लिख लेंगे, जैसे कि 6 CO2 प्लस 6 H2O गिव्स राइज टू C6H12O6 प्लस 6 O2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो फ्रेंड्स यहां पर जैसे देख रहे होंगे CO2 और H2O रिएक्ट करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो फ्रेंड यहां पर हमें सिग्निफिकेंस सबसे पहला क्या मिल रहा है? इट इज द प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर प्लांट्स, ओनली ग्रीन प्लांट्स
ग्रीन प्लांट। और फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम सेकंड सिग्निफिकेंस पढ़ने जा रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गैसेस को मेंटेन करते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज अप करके ऑक्सीजन। तो यदि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी हो जाती, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती और फ्रेंड्स उससे ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं होती। ऑक्सीजन प्रोड्यूस कौन करते हैं? ग्रीन प्लांट्स ही करते हैं। तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती तो ह्यूमन बींग्स या अदर एनिमल्स भी फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते थे। तो इससे यहाँ पर प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स, एंड यहाँ पर एक और पॉइंट जुड़ जाएगा एनिमल्स, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन बनती नहीं तो एनिमल्स भी फूड नहीं अपना प्रिपेयर कर सकते थे, ब्रीथ ही नहीं कर सकते थे, लंग्स के तक ऑक्सीजन पहुंचती ही नहीं तो मर ही जाते। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑक्सीजन इनका कंसेंट्रेशन देखते ही सर थोड़ा सा टॉपिक और बचा है वो क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम कई सारे एनसीईआरटी में बहुत सारे एक्टिविटीज दे रखी हैं कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या तो फिर हम कह सकते हैं क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सब प्लांट्स के लिए नेसेसरी क्यों होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसमें से बात करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेंगे एक प्लांट। तो फ्रेंड्स मैंने एक प्लांट यहाँ पर ले लिया है, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक प्लांट ले लिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे ये कौन सा प्लांट है? ग्रीन प्लांट। अब ग्रीन प्लांट के ऊपर मान लो मैंने यहाँ पर एक फ्रेंड्स इसे तो यस मिनट्स उसके पहले हम देख लेते हैं, एक प्लांट लेंगे पोटेड प्लांट। तो फ्रेंड्स पोटेड प्लांट हम ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स पोटेड प्लांट हमने ले लिया है। अब हम इस प्लांट को 3 डेज के लिए, कितने दिन के लिए? 3 डेज के लिए। 3 डेज के लिए अब हम कहां पर रख देंगे? इसे डार्क प्लेस पर स्टोर कर देंगे। तो फ्रेंड्स डार्क प्लेस पर स्टोर करने का सिग्निफिकेंस क्या है? तो डार्क प्लेस पर जब हम इसे स्टोर करेंगे तो जैसे हमने देखा फोटोसिंथेसिस, उसमें से सनलाइट मिलेगी नहीं तो वो खाना भी प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएगा, जिसकी वजह से उसका जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी कि स्टार्च है वो स्टार्च सारा 3 दिनों में यूज अप हो जाएगा और अब उसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, अब उसे क्लोरोफिल की प्रोसेस निभाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 3 दिन के लिए इसे रख दिया। अब फ्रेंड्स 3 दिन बाद, 3 दिन बाद आफ्टर 3 डेज अब हम 3 दिन बाद इसी प्लांट को खुले में रख देंगे। तो फ्रेंड्स अब इस प्लांट को हमने 3 दिन बाद वापस बाहर रख दिया है। और फ्रेंड्स उसे बाहर रखने के पहले हमने यहां पर
आप येलो कलर का देख रहे हैं, येलो कलर से मैंने एक कॉपर फॉइल बना दी है, एल्यूमिनियम फॉइल। तो फ्रेंड्स हम इसे एल्यूमिनियम फॉइल से एक इसकी एक लीफ लेंगे, उसे एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर देंगे। और फ्रेंड्स एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करने के बाद इसे हम रख देंगे बाहर। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे हमने इसे बाहर रखा तो इसे अब नीड किसकी है, इसे अब फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा, क्योंकि इसे अब अपना फूड बनाने की नीड आ गई है। यदि अब यह फूड नहीं बनाएगा तो धीरे धीरे करके ये डेड हो जाएगा, मर जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसके छोटे से पार्ट पर हमने कॉपर फॉइल से सॉरी एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, अब एल्यूमिनियम फॉइल कवर करने के बाद में आप देखेंगे कि जब सन की रेस जब इसके ऊपर पड़ेंगे तो फ्रेंड्स जो इतना इतना पार्ट मैं आपको बताता हूँ, जो ये पार्ट है, ये पार्ट फोटोसिंथेसिस बराबर करेगा, जो भी ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट, क्योंकि हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और यहाँ पर हमने कवर कर दिया तो ये इतना एरिया, इतना जो पार्ट है ये उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स कुछ देर बाद आप देखोगे कि ये जो है यहाँ पर हमने इसे लगभग 2 to 3 hours, 2 से 3 घंटे के लिए हमने इसे लाइट में रख दिया था। अब फ्रेंड्स 2 से 3 घंटे रखने के बाद हम इसमें से जो लीफ है, हमारी कॉपर से करी हुई कवर करी हुई लीफ थी, जिसका हमने फ्रेंड्स कुछ पार्ट एल्यूमिनियम से कवर कर दिया था कुछ पार्ट। तो फ्रेंड्स एल्यूमिनियम से कवर किए हुए पार्ट को हम उस वाली लीफ को प्लग कर लेंगे। और फ्रेंड्स प्लग करने के बाद हम जो है जो एल्यूमिनियम फॉइल है, एल्यूमिनियम फॉइल को हम निकाल लेंगे। जैसे कि इतने इतने पार्ट में हमने एल्यूमिनियम फॉइल लगाई थी। तो फ्रेंड्स अब हम इसे लेंगे एक वाटर टैप के अंदर और इसे वॉश कर लेंगे अच्छे से। और फ्रेंड्स इसे वॉश करने के बाद में अब हम इसे कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, एक ग्लास में जिसके अंदर, एक बीकर में जिसके अंदर हमने एल्कोहल ले रखा है, एल्कोहल में। अब जैसे एल्कोहल वाला बीकर था, एल्कोहल वाला फ्रेंड्स इसे बीकर, एल्कोहल वाला बीकर ले लिया, इसमें एल्कोहल भरा हुआ है। और फ्रेंड्स अब हमने जो ये जो प्लांट की लीफ है, ये जो प्लांट की लीफ है अब हमने इसमें डाल दी है। और फ्रेंड्स अब हम इसे बॉईल करेंगे। इसे बॉईल करने का तरीका होता है, जैसे यदि आप एल्कोहल को डायरेक्ट बॉईल करेंगे तो एल्कोहल फ्लेमेबल सब्सटेंस है, वो उड़ जाएगा, जल जाएगा। तो फ्रेंड्स हम पहले एक एक बड़ा सा बीकर लेंगे जिसके अंदर पानी स्टोर करेंगे। ओके फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसमें पानी भर दिया है, और इसके बाद में जो एल्कोहल से स्टोर वाला बीकर था हम उसे कुछ इस प्रकार से इसमें लगा देंगे, और इसके ही अंदर हमारी लीफ भी है। ओके फ्रेंड्स तो ये लीफ है, इसके अंदर क्या है, बीकर के अंदर एल्कोहल एल्कोहल है, और फ्रेंड्स ये क्या है, वाटर, ये जो है बड़ा बीकर है इसके अंदर वाटर भर रखा है। और अब हम लेंगे एक बर्नर। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ले लिया है एक बर्नर, और फ्रेंड्स इसके अंदर से अब हम इसे फ्लेम कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब ये पानी बॉईल होगा, तो पानी बॉईल होगा तो हॉट होगा, और हॉट वाटर के अंदर जब एल्कोहल का बीकर है तो एल्कोहल का बीकर भी गर्म होगा। और फ्रेंड्स गर्म होने के कारण जो जो हमारी लीफ है, वो लीफ का जो क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल पूरा बाहर आ जाएगा और वह कलरलेस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम उस लीफ को कुछ देर बॉईल करने के बाद में हमने लीफ निकाल ली है। ओके फ्रेंड्स तो अब और इसे वापस से पानी में वॉश कर लेंगे। और फ्रेंड्स पानी में वॉश करने के बाद में अब हम इस लीफ को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर लेंगे एक आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन
तो फ्रेंड्स यहां पर आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे हम। तो फ्रेंड्स मैं आपको आयोडीन सॉल्यूशन का नेचर बता देता हूं। तो फ्रेंड्स व्हेनेवर वी टेक आयोडीन सॉल्यूशन, जब हम आयोडीन सॉल्यूशन को स्टार्च में मिलाते हैं तो वह कौन सा कलर देगा हमें? आयोडीन सॉल्यूशन प्लस स्टार्च गिव्स ब्लू ब्लैक कलर, ब्लू ब्लैक कलर। तो फ्रेंड्स ये जो ब्लू ब्लैक कलर है ये स्टार्च और आयोडीन के रिएक्ट करने से हमें मिलता है। तो फ्रेंड्स जब हम इस लीफ के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, ये हमारा हो गया आयोडीन सॉल्यूशन। और फ्रेंड्स जब आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स हम इस पर डालेंगे तो फ्रेंड्स हमने इसे आयोडीन सॉल्यूशन कवर कर दिया, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो इसका इतना इतना पार्ट है ये ब्लूइश ब्लैक कलर का हो जाएगा। और फ्रेंड्स जहां पर हमने कॉपर फॉइल एल्यूमिनियम फॉइल जहां पर कवर करी थी वहां पर स्टार्च नहीं बना है। इसका मतलब क्या है? जब हमने प्लांट को एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दिया तो एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करने के बाद उसे सनलाइट नहीं मिली और सनलाइट नहीं मिलने के कारण वहां पर स्टार्च नहीं बना, क्योंकि आयोडीन सॉल्यूशन को जब हम स्टार्च पर लाते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर देता है और ब्लू ब्लैक कलर यहाँ पर बन चुका है, लेकिन इतने पार्ट में नहीं बना है क्योंकि इतने पार्ट में हमें पता है हमने कुछ भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अकर करने से रोक दिया था क्योंकि हमने उसे सनलाइट नहीं दी। तो फ्रेंड इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि जो प्लांट रहता है वो प्लांट हमेशा कभी भी सनलाइट के बगैर कभी भी अपना जो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। इस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आया कि कभी भी प्लांट बिना सनलाइट, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, प्लांट कैन नेवर प्रिपेयर द फूड और कैन परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके फ्रेंड्स तो ये अब हमने देख ली है, अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर अब हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए नेसेसरी है, इसको अब हम एक्टिविटी से प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार कि इस कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रूव इट विद एन एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स यहां पर अब हम एक्टिविटी करेंगे। हमने वापस से एक प्लांट ले लिया है, उसे 3 दिन तक डार्क स्पेस में स्टोर किया है ताकि उसका जो भी स्टार्च है वो निकल जाए। और फ्रेंड्स उसके बाद में अब हमने उस लीफ को ले लिया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम दो प्लांट्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दो प्लांट्स ले लिए हैं और इन दो प्लांट्स को हम जो है अलग अलग कवर कर देंगे। और फ्रेंड्स कवर करने के बाद यहाँ पर ग्लिसरीन सॉल्यूशन लगा देंगे ताकि वो एकदम एयर टाइट हो जाए। और फ्रेंड्स इसके बाद इन्हें हम सन में स्टोर कर देंगे, सनलाइट में इन्हें रख देंगे।
ओके फ्रेंड्स, सनलाइट आ रहा है और ये जो है ग्लास जार थे, ग्लास जार। तो ग्लास जार से हमने इन्हें कवर कर दिया, 3 दिन तक डार्क में रखने के बाद में सन में हमने इन्हें ग्लास जार में स्टोर करके रख दिया है। और फ्रेंड्स इसमें से जो एक हमारा ग्लास जार है उसके अंदर हम एक सॉल्यूशन डालेंगे, KOH मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो फ्रेंड्स इसमें हम डाल देंगे KOH मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो फ्रेंड्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने इसलिए डाला है ताकि, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फंक्शन यह रहता है कि यह इट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फ्रेंड्स एयर में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड मिली होगी वो सब CO2 के मॉलिक्यूल सब इसके अंदर आ जाएंगे, KOH उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा और एक में हमने कुछ नहीं डाला है। तो फ्रेंड्स 5 से 6 घंटे होने के बाद आप यह एब्जॉर्ब करेंगे, आप यह देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो KOH वाला सॉल्यूशन वाला प्लांट है उसकी। सो फ्रेंड्स पहले तो हम लीफ प्लग कर लेते हैं, एक लीफ इसकी प्लग कर ली हमने और फ्रेंड्स एक लीफ इसकी प्लग कर ली 6 से 7 घंटे होने के बाद। तो फ्रेंड्स अब हम इन दोनों पर आयोडीन सॉल्यूशन डाल देंगे, आयोडीन सॉल्यूशन, और फ्रेंड्स इस पर भी आयोडीन सॉल्यूशन हम डाल देंगे। तो फ्रेंड्स जो जो बिना हमने जिसमें KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखेगा रखा था उसमें हमने देखा कि वह पूरी लीफ जो है ब्लू ब्लैक कलर की हो गई है, क्योंकि इस प्लांट ने स्टार्च प्रिपेयर कर लिया है और स्टार्च और आयोडीन सॉल्यूशन जब मिलते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर देते हैं। तो यहाँ पर जो है इसने फोटोसिंथेसिस की है और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसकी इसमें हमने जब डाला तो यहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर नहीं शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर KOH यानी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड ना होने के कारण इस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस नहीं की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, तो इस एक्टिविटी से यह शो हो, हम यह शो कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके फ्रेंड्स नाउ सर कर दो अब। वापस से रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने देखा था व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेस क्या होती है। सो द प्रोसेसेस विच फंक्शन टुगेदर टू परफॉर्म टू मेंटेन द लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इवोल्यूशन, हाइड्रेटरी। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 एग्जाम्पल दिए हैं जिन्हें हमने डिस्कस करना है। और फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आए थे, लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग के बारे में हमने अच्छे से डिस्क्रिप्शन देखा था इनका। लिविंग बींग वह होती हैं जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो करती हैं, मॉलिक्यूलर में हमने हाईलाइट भी किया था, क्यों किया था ये आपको पता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर बेसिक यहाँ पर फूड के बारे में हमने पढ़ा था, फूड यानी ग्लूकोज। और फ्रेंड्स उसके बाद हमने पढ़ा लिविंग और नॉन लिविंग बींग में डिफरेंस किया कि लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स में क्या डिफरेंस होता है, उसके कई सारे पैरामीटर्स डिस्कस करे थे हमने। और फ्रेंड्स उसके बाद हमने देखा था लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन, सबसे पहली लाइफ प्रोसेसेस हमने ली थी न्यूट्रिशन की, वॉट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन सो टेकिंग इन ऑफ फूड एंड सिंथेसाइज इट टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में हमने देखे थे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स जो कि एक लिविंग बींग के लिए इसेंशियल होते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमने देखे थे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक। फ्रेंड्स के बाद हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने देखा था फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटोट्रॉफिक मतलब जो सनलाइट से फूड प्रिपेयर करते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक मतलब जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से
अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, इनर सॉरी सॉरी केमिकल्स केमिकल सब्सटेंसेस से अपना फूड बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जैसे फॉस्फोरस और भी कई सारे। और फ्रेंड इसके बाद हमने देखा था ग्रीन प्लांट, इसके बाद में हमने देखा था ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के हमने पूरा डिस्क्रिप्शन देख लिया था। यहाँ पर हमने एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देखा था। उसके बाद में फ्रेंड्स हमने फोटोसिंथेसिस का जो है रिएक्शन देखा था। उसके बाद में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस और भी कई सारी चीज़ें डिस्कस की थी और कई सारी एक्टिविटीज़ देखी फ्रेंड्स हमने। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अब ये लेक्चर वन आज का कंप्लीट हो गया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब लेक्चर टू में हम जानेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, एनिमल्स में न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे अकर होती है, अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है, और भी कई सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू वॉच दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।